हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का प्रैक्टिकल जो कि है गेट 5 न्यूक्लियोटाइड एंड 5 प्रोटीन सीक्वेंसेस इन फास्टा फॉर्मेट फ्रॉम NCBI एंड EMBL। देखिए, हमें 5 न्यूक्लियोटाइड और 5 प्रोटीन सीक्वेंसेस को लेना है फास्टा फॉर्मेट में, कहाँ से? NCBI एज वेल एज EMBL से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल की तरफ। तो देखिए, हम लोग पहले क्या करेंगे कि आप लोग सर्च करेंगे गूगल पर NCBI। NCBI बेसिकली उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो आप NCBI पे फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे जो कि है ncbi.nlm.nih.gov। ठीक है, अब क्योंकि हमें न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंसेस लेने हैं तो हम लोग पहले जहाँ पर आपका ऑल डाटाबेसेस लिखा हुआ है उसमें हम लोग जाएंगे न्यूक्लियोटाइड पर। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको न्यूक्लियोटाइड दिखेगा लिखा हुआ, तो आप न्यूक्लियोटाइड पर क्लिक करेंगे। देन सर्च बॉक्स में कोई भी आप अपने मन का लिख सकते हैं, लाइक इंसुलिन, टोपो आइसोमरेज, जो भी आप लिखना चाहें। मैं यहाँ पर इंसुलिन लिख रही हूँ और सर्च बटन पे हम क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे। तो देखिए, राइट हैंड साइड पर आपका एक इमेज खुल के आया है जिसमें आपके ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आप कोई भी ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मन का, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, इसीलिए मैं फर्स्ट उस पर क्लिक कर रही हूँ जिसमें आपको दिखाया हुआ है जेनबैंक, फास्टा, ये सब। ठीक है, तो ऑक्टोडॉन डेगस का इंसुलिन का मैं सीक्वेंस क्लिक कर खोल रही हूँ। तो पहले मैं फास्टा पे लिंक पे क्लिक करूँगी। तो जब हम फास्टा फॉर्म देखिए, क्योंकि हमें फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस लेने हैं, तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ गया ऑक्टोडॉन डेगस का इंसुलिन का। ठीक है, अब ये फास्टा फॉर्मेट हम कैसे पता करते हैं? देखिए, फास्टा फॉर्मेट की पहचान होती है ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन साइन अगर किसी सीक्वेंस के मतलब आगे लिखा हुआ है तो ये इट मींस दैट वो फास्टा फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, इंसुलिन क्योंकि किस चीज़ का है, इंसुलिन का सीक्वेंस है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टोडॉन डेगस। किस ऑर्गेनिज्म है? ऑक्टोडॉन डेगस। तो इस सीक्वेंस को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और आप इस सीक्वेंस को कॉपी करके क्या है, पेस्ट कर सकते हैं अपनी वर्ड फाइल पर, जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहें, नोट पैड, वर्ड फाइल, किसी पर भी पेस्ट कर सकते हैं। देन इन द सेम वे हम लोग प्रोटीन सीक्वेंस लेंगे। ठीक है, अब प्रोटीन सीक्वेंस आप किसी का भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर अगेन इंसुलिन का ही प्रोटीन सीक्वेंस ले रही हूँ। तो देखिए, प्रोटीन सीक्वेंस के लिए आप क्या करेंगे, अगेन फास्टा पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट फास्टा सीक्वेंस आपको मिल जाएगा प्रोटीन का। फास्टा आदर आपको न्यूक्लियोटाइड का लेना है तो आप न्यूक्लियोटाइड का ले सकते हैं, प्रोटीन का लेना है प्रोटीन का ले सकते हैं। आप सीक्वेंस को कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट करके अपने वर्ड फाइल या नोटपैड में पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। आपने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड पे फिर से क्लिक किया, इंसुलिन पे गए। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है जेनबैंक। ठीक है, देखिए जेनबैंक बेसिकली आप कह सकते हैं एक फ्लैट फाइल फॉर्मेट होता है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, लोकस से कमेंट तक फर्स्ट सेक्शन होता है हेडर सेक्शन, देन फीचर एक सेक्शन होता है, एंड देन थर्ड एक सेक्शन होता है जो कि आपको नीचे दिख रहा है सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं, जो ओरिजिन वर्ड है वहाँ से और जो स्लैश लगे हुए हैं वहाँ तक एक थर्ड आपका सेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंस सेक्शन। ठीक है, ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये जेनबैंक का अपना एक फॉर्मेट है, उन्होंने अपने फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। और जो ये जो फर्स्ट लाइन होती है वो कंटेन करती है 60 करेक्टर्स। ठीक है, तो आप जेनबैंक में फास्टा पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से वही सेम फास्टा सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली फास्टा सीक्वेंस खोल सकते हैं या फिर जेनबैंक के थ्रू खोल सकते हैं। ओरिजिन और स्लैश जेनबैंक के जैसे फास्टा फॉर्मेट के लिए ग्रेटर देन साइन उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, इन द सेम वे जेनबैंक का अगर आपको पहचान करनी है कि जेनबैंक का ये सीक्वेंस किस फॉर्मेट में है, तो ये जेनबैंक में होता है अगर ओरिजिन लिखा हुआ है और स्लैश लगे हुए हैं 2, और बीच में क्या होता है आपका सीक्वेंस लिखा होता है, तो ये पहचान होती है जेनबैंक का फॉर्मेट है। ठीक है, इन द सेम वे आप टोपो आइसोमरेज के लिए कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने न्यूक्लियोटाइड ही लिया है, लेकिन टोपो आइसोमरेज अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो देखिए ये बता रहा है कि कितने बेस पेयर का है और कौन सा डीएनए है। आइदर सर्कुलर डीएनए हो सकता है,
लीनियर डीएनए हो सकता है। तो आपको यहीं पर मतलब ऊपर ही आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बेस पेयर मतलब कितने बेस पेयर लॉन्ग है और कौन सा डीएनए है, सर्कुलर है, लीनियर है, कौन सा डीएनए है। ठीक है, इन द सेम वे देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है टोपो आइसोमरेज, ठीक है, कोई और ऑर्गेनिज्म का, और उसका सीक्वेंस लिया है फास्टा फॉर्मेट में। ठीक है, आई होप सो आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। ये आप सीक्वेंस कॉपी करके अपने वर्ड या वर्ड फाइल या नोटपैड में पेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं EMBL की तरफ। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे EMBL सर्च करना है, यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है, EMBL सर्च करना है। यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है, आप इसकी साइट पर जाएंगे, इसकी साइट है www.ebi.ac.uk। ठीक है, यहाँ पर आप अपने कोई भी मन का सर्च कर सकते हैं। मैंने अगेन इंसुलिन सर्च किया है। अब आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेना है तो आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर क्लिक करेंगे, देन सर्च करेंगे। तो देखिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका दो फॉर्मेट पूछ रहा है, वो आइदर EMBL फॉर्मेट और फास्टा फॉर्मेट, क्योंकि आपसे कहा गया है कि आपसे फास्टा फॉर्मेट में आपको सीक्वेंस लेने हैं। तो आप फास्टा फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और अगेन फास्टा फॉर्मेट का मैंने आपको क्या रिप्रेजेंट मतलब पहचान बताई थी कि ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, तो आप सीक्वेंस लेंगे, कॉपी करेंगे और अपने वर्ड फाइल या नोटपैड किसी में भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यही न्यूक्लियोटाइड अगर यही इंसुलिन का अगर आपको प्रोटीन सीक्वेंस लेना हो तो आप कैसे करेंगे, बैक जाइए, इंसुलिन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की जगह बस क्या सिलेक्ट करना है, प्रोटीन सीक्वेंस सर्च कीजिए। फिर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगेन फास्टा फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो मींस वो जो सीक्वेंस है वो किस में होगा, प्रोटीन मींस अमाइनो एसिड्स होंगे उसमें। तो आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद अपने वर्ड फाइल या नोटपैड में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, अगर आपको स्पीसीज स्पेसिफिक चाहिए तो आप स्पीसीज स्पेसिफिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको NCBI में दिखाया, इन द सेम वे EMBL में भी होता है, आप स्पीसीज स्पेसिफिक भी निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपको गाइस समझ आएगा कैसे न्यूक्लियोटाइड और कैसे प्रोटीन के सीक्वेंस लेने हैं आपको। ठीक है, बहुत ईजी है, 5 न्यूक्लियोटाइड इन द सेम वे टोपोआइसोमर कोई भी आप ले सकते हैं, कालमोडुलिन, कैल्सिन्यूरिन कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जी प्रोटीन कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।